हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोहाना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश में रोजगार ही नहीं बेरोजगारी बढ़ गई है। हमारी सरकार में प्रति व्यक्ति आय में प्रदेश नंबर वन था, आज बेरोजगारी में नंबर वन है। कितने ही पद खाली पड़े हैं। सरकार ने रोजगार देने की बजाय युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। पूर्व सीएम ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि मैं प्रजातंत्र में विश्वास रखता हूं, प्रजातांत्रिक रूप से विरोध करना सबका हक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों न हो, लेकिन सही तरीके से और सीमा में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से सबको अपनी बात रखनी चाहिए, न कि मारपीट कर। वहीं प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद पर कहा कि सरकार ने गेहूं की नमी 14% से घटाकर 12% कर दी है, किसान की लागत बढ़ रही है और आमदनी कम हो रही है। जो मॉइस्चर जो है जो पिछले साल 14% था वो घटा के 12% कर दिया इन्होंने। हर प्रकार से किसान को मार पड़ रही है, डीजल का भाव, खाद का भाव, पेस्टिसाइड्स का भाव, लागत तो बहुत बढ़ा दी है लेकिन किसान की आमदनी कम हो गई है। इसी वास्ते 4 महीने से लगातार किसान अपनी आवाज़ सुनाने के लिए प्रजातंत्र में सबसे जो आंदोलन है, ये कोई कहता जी कैसा आंदोलन का काम होता है, अपनी आवाज मजबूती से सरकार तक हर पूरे देश तक किसानों ने पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि जो ये किसान कानून है ये किसान के हित में नहीं, इसमें जो है उनकी बात सुनकर किसानों की बात माननी चाहिए और बातचीत तुरंत शुरू करनी चाहिए।